हेलो, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने ब्रांड मैनगॉड में। वेल, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, कैपिटल एक बजट होता है जिसे हम हैंडल करते हैं अपने बिजनेस के सभी चीज़ों के लिए, हम उसका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल्स के अंदर में आती है। तो फाइनेंशियल्स में जैसे कि अभी हम कैपिटल्स के बारे में ही बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपके सिर्फ 5,000 रुपये भी हैं तो भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा बिजनेस। इसके लिए बस आपको फाइनेंशियल्स की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। जी हाँ, अकाउंटिंग अलग चीज़ है, अकाउंटिंग भी फाइनेंशियल्स का ही एक पार्ट होता है, लेकिन एक फाइनेंशियल्स प्रॉपर चीज होती है कि आपके बिजनेस को फाइनेंस कैसे किया जाए। ठीक है, क्योंकि बिना पैसे लगाए तो आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। हालांकि पैसे की इतनी कोई खास जरूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास टैलेंट होना चाहिए और हम कोई भी काम कर सकते हैं। बट फिर भी मैं चाहूंगा कि आप 5,000 रुपए का एक स्मॉल अमाउंट तो अपने पास जरूर रखें, जिससे कि आप लाखों और करोड़ों का भी बिजनेस कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल्स अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। फाइनेंसेस बताने का मतलब यह है कि आप इसके बारे में भी सोचें, आप बिजनेस कर रहे हैं। थैंक यू फॉर मैनगॉड।